पे क्लियर कर देता हूँ। बाय द वे, अभी बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये कहा था, मतलब कि पोच हो गया ये वो। मैं गाइस अभी मेरा तो ब्लाइंड, ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने गॉर्डन को बैकअप लेके छोड़ा नहीं था एक्चुअली मैं ब्लाइंड। देखा जाए की बात नहीं है एक्चुअली। मैं ब्लाइंड में थोड़ा कुछ इश्यूज हो गए थे मेरे, मतलब इश्यूज वगैरह वो लोग चार खेल रहे थे सही, तो मतलब उन लोग चारों को ही कंटिन्यू करने देते क्योंकि उन लोग का पहले से सिनर्जी वगैरह अच्छा है। तो मतलब बाहर बात फैल गई कि एस्पर इज लिविंग ब्लाइंड वगैरह कर कर करके। तो सीन ऐसा हुआ कि अभी देखो ऑफर्स तो ऑफकोर्स बहुत सारे आएंगे, बहुत टीम्स में मतलब फोर्थ प्लेयर की शॉर्टेज थी, तो उनमें से एक अपने गॉडल भी थी। तो अभी आप लोगों को जैसे भी पता है अभी आई गेस BGMS का लैन आ रहा है, BGIS द ग्राइंड आ रहा है, और BGIS भी आ रहा है, और बहुत सारे इवेंट्स आएंगे इन फ्यूचर। और मतलब ये ग्राइंड और ये BGMS आई गेस सो बहुत कम टाइम है, ये 2 महीने के अंदर ही होने वाले सब। तो इसलिए अभी ये सब ड्यूरेशन में मेरा सीनर्जी सिर्फ गॉडल के साथ अच्छा है, अगर आप लोगों को भी पता है, क्योंकि इनके साथ मैं पहले भी आई गेस 1-1.5 साल खेला हूँ। हाँ आई गेस नहीं, 1-1.5 साल खेला हूँ मैं इन सब के साथ। तो फिर वही इतना कम ड्यूरेशन है, मैं कोई दूसरी टीम ज्वाइन करूंगा और उसमें फिर मेरे को सीनर्जी वगैरह बनाने में मतलब टाइम लगेगा, तो उनके जैसे टीम में थोड़ा कंफ्यूजन होके थोड़ा क्या कहते हैं उसको, परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगा, टीम का ही इफेक्ट करेगा, तो वो तो फायदा नहीं। तो मैं वही सोचा कि मतलब गॉडल में ही मेरा सीनर्जी है तो गॉडल ही जाते हैं वापस से। फिर ऑफकोर्स बाकी सब टीम में जाएंगे तो उन लोगों को भी थोड़ा ही होगा कि हमको लगा ये अच्छा खेलेगा बट थोड़ा टीम में इश्यूज हो रहे हैं।